गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस एक बार फिर से खतरों के खिलाड़ी में हुआ एक शॉकिंग इविक्शन। जिस इविक्शन के जाने के उस कंटेस्ट का नाम जान के जिसका एलिमिनेशन हो चुका है शो से, आप शायद चौंक भी सकते हो। आप सोच रहे हो कि कौन है वो कंटेस्ट, उन्हीं का नाम आपको आगे बताने वाले हैं। उससे पहले हम आपको बता दें ये फोर्थ वीक का शॉकिंग इविक्शन, यानी कि फर्स्ट वीक अनिरी शो से इविक्ट होने वाली थी, लेकिन पहले हफ्ते को इविक्शन हुआ ही नहीं, जिस वजह से अनिरी सेफ हो गए। एंड सेकेंड वीक एरिका शो से एलिमिनेट हो गई। थर्ड वीक शिवांगी जोशी एलिमिनेट हो गई, जो कि एक शॉकिंग इविक्शन था शिवांगी जोशी का। उसके बाद खबर आई कि शिवांगी वाइल्ड कार्ड के जरिए वापस आएंगी। और गाइस अब फोर्थ वीक आ चुका है, जिस फोर्थ वीक में फिर से एक शॉकिंग एलिमिनेशन की खबर आ रही है कि ये कंटेस्टेंट हो चुका है शो से आउट। शायद आप लोग चौंक भी सकते हो उस कंटेस्टेंट का नाम जान के, और हो सकता है वो आप सभी का फेवरेट कंटेस्टेंट भी हो। सो गाइस हम आपको बताते हैं खतरों के खिलाड़ी में फोर्थ वीक बहुत ही शॉकिंग इविक्शन हुआ है, जो इविक्शन हुआ है प्रतीक सहजपाल का। तो गाइस शायद आप में से बहुत सारे लोग प्रतीक के फैन भी होंगे, एंड बताया जा रहा था प्रतीक हर टास्क में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन गाइस एक टास्क में गलती की वजह से बताया जा रहा है कि प्रतीक शो से आउट हो चुके हैं, प्रतीक का एलिमिनेशन हो चुका है। इसको इस हम आपको बता दें खतरों के खिलाड़ी के फोर्थ वीक में टीम वाला टास्क हुआ था। यहाँ पे दो टीम कन्वर्ट हुई थी, टीम बटी थी, जहाँ पे टीम में कंटेस्टेंट बटे थे। एक टीम का नाम था रेड टीम, दूसरी टीम का नाम था येलो टीम, जिस टीम में से एक टीम रेड टीम के कैप्टन थे प्रतीक सहजपाल। और गाइस प्रतीक सहजपाल की टीम ने पूरा टास्क परफॉर्म किया, अच्छे से परफॉर्म किया, एंड आई थिंक प्रतीक सहजपाल की रेड टीम जीती भी थी। लेकिन गाइस रोहित शेट्टी ने तभी एक ट्विस्ट लाके प्रतीक से बोला कि आपको अपनी टीम में से एक ऐसा कंटेस्टेंट चुनना है जो कि सबसे वर्स्ट परफॉर्म किया है आपकी टीम में से। सो गाइस वहां पे प्रतीक सहजपाल ने अपनी टीम से किसी और कंटेस्टेंट का नाम ना चुनकर अपना ही नाम चुन लिया। और गाइस हम आपको बता दें इस प्रतीक की रेड टीम में मिस्टर फैजू भी शामिल थे, और कंटेस्ट का नाम तो क्लियर लिए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि प्रतीक टीम के कैप्टन थे, और उसी टीम में प्रतीक की टीम में मिस्टर फैजू भी शामिल थे, जहां पे प्रतीक ने किसी कंटेस्टेंट के दूसरे कंटेस्टेंट का नाम नहीं लिया अपनी टीम से, खुद का नाम ले लिया कि प्रतीक ने खुद ही को बोल दिया कि हाँ मैंने वर्स्ट परफॉर्म किया है अपनी टीम से। और गाइस हम आपको पता है दोनों टीमें से जो वर्स्ट परफॉर्मर होगा, जो कि कैप्टन ने चुना होगा, वो दोनों कंटेस्टेंट करेंगे एलिमिनेशन स्टंट। एलिमिनेशन में जो जीता वो हो जाएगा से, और फिर दूसरा जो कंटेस्टेंट है जो कि स्टंट हार चुका है वो सीधा अपने घर आ जाएगा इंडिया, केप टाउन से जर्नी खत्म हो जाएगी, खतरों के खिलाड़ी जर्नी खत्म हो जाएगी। और कुछ बताया जा रहा है कि प्रतीक सहजपाल वो एलिमिनेशन स्टंट हार चुके हैं, इसके वजह से प्रतीक की जर्नी होगी खत्म खतरों की खिलाड़ी की। सो गाइस वो आर्टिकल भी देख सकते हो जिस आर्टिकल से कंफर्म हुआ है कि प्रतीक सहजपाल शो से आउट हो चुके हैं। सो गाइस इस आर्टिकल में लिखा है अकॉर्डिंग टू द सोर्स सैड न्यूज, प्रतीक सहजपाल इज इविक्टेड फ्रॉम खतरों के खिलाड़ी, यानी कि प्रतीक खतरों के खिलाड़ी से हो चुके हैं आउट। सो गाइस प्रतीक ने ज्यादा नेकी कर दी, इस वजह से इसे बोल सकते हैं प्रतीक ने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। प्रतीक ने अपना नाम चुन के अपनी टीम से, और कोई कंटेस्टेंट तो किसी और प्लेयर का नाम चुना था कि इसने वर्स्ट किया, लेकिन गाइस प्रतीक को अपने आप को अच्छा दिखाना था, या प्रतीक ने क्या पता टास्क में गंदा परफॉर्म किया, जिस वजह से प्रतीक को खुद लगा कि मैंने अपनी टीम में सबसे बेकार किया, इस वजह से मेरे को ही अपना नाम लेना चाहिए। अब देखने पर भी पता लगेगा कि प्रतीक ने कैसे टास्क किया अपनी टीम में से, वो तो अब हमें टीवी पर देखने को मिलेगा। ये आपके लिए सैड न्यूज़ थी, गुड न्यूज़ थी, कमेंट बताओ। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, आप में से कौन कौन है प्रतीक का फैन कमेंट में जरूर से बताएं। तो आप में से कौन कौन चाहता है कि प्रतीक सहजपाल के लिए शिवांगी जोशी की तरह क्रिकेट 12 में वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाए, यानी कि प्रतीक दोबारा शो में आ जाए, कौन कौन चाहता है, कौन कौन है प्रतीक का फैन कमेंट में जरूर से बताएगा। सो गाइस आज की वीडियो में इतने, ऐसे और फैजू दनंद क्रिकेट 12 के अपडेट को पाने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।